पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेसियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भगवान से की है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री व हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की इमरती देवी ने आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कहा कि महिलाओं के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के लिए शोभा नहीं देती। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने इसके लिए भगवान से प्रार्थना की है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित अन्य कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दें। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें अब इमरती देवी ने रस नहीं है जैसी बात कही गई थी। इमरती देवी ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए डबरा थाने में शिकायत की है। कहना चाहती हूँ भाई साहब कि जो कांग्रेसी लोग हैं उनकी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, और एक दलित महिला एससी की महिला उसके बारे में ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। और मैं तो कहती हूँ कि मैं तो उनसे कुछ ऐसा ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैंने सदा उन्हें मेरे से बड़ी बहन कहा है, तो मैं उनके साथ रही भी हूँ, लेकिन भगवान ने उनकी बुद्धि खराब कर दी है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे। और वो क्या बोल रहे, वो तो अब छोटे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जरूर बन गए, लेकिन ये जो उनके तो कमलनाथ जी आइटम कहते हैं, दिग्विजय सिंह टचिंग माल कहते हैं, तो ऐसे कांग्रेसी तो ऐसी भाषा बोलने का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी भाषा बोलने का उपयोग नहीं करना चाहिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।